What about moderate alcohol consumption, 1 to 2 drinks a day? Now, everyone agrees that both heavy alcohol consumption and binge drinking, even if really infrequent, is bad, and that any alcohol during pregnancy is bad. But the reason moderate alcohol consumption has been such a conundrum is that if you look at the top 3 killers, moderate alcohol consumption can reduce the risk of a heart attack, but increases our risk of cancers, including breast cancer, and increases our risk of one type of stroke, the bleeding kind, but decreases our risk of the other type of stroke, the clotting kind. So, what does that mean overall? 1 to 2 drinks a day for the average American. What do you think? Overall harmful, harmless, or helpful? And the answer is helpful for the average American. But what about for a healthy person? This new study asked the question, who benefits most from the cardioprotective properties of alcohol consumption, health freaks or couch potatoes? In that study, health freak was defined as anyone who exercises 30 minutes a day, doesn't smoke, and eats at least 1 serving of fruits and vegetables every day. In America, that's a health freak. Anyways, for those people, for people who follow a baseline of minimum healthy behaviors, what does moderate alcohol consumption do for their overall lifespan? Does it shorten the lives of healthy people, not do anything for the lifespan of healthy people, or does it make healthy people even healthier? And the answer is that it doesn't appear to do anything. वर्ष 2015 में ब्रिटेन के एक बहुत बड़े अखबार ने एक रिसर्च को प्रकाशित किया था। ये रिसर्च दुनिया के मशहूर हेल्थ राइटर यानी स्वास्थ्य संबंधी मामलों के लेखक वेड मेरेडिथ ने किया था। मैं आपको इसी रिसर्च के आधार पर ये बताऊंगा कि कोल्ड ड्रिंक आपके शरीर में जाने के बाद 1 घंटे के अंदर क्या-क्या कर सकती है। ये रिसर्च 350 ml की कोल्ड ड्रिंक की कैन या बोतल में शामिल इंग्रेडिएंट्स पर आधारित है। इस रिसर्च के मुताबिक जब आप 350 ml कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो शुरुआती 10 मिनट में ही आपके शरीर में 10 चम्मच चीनी चली जाती है। यहां नोट करने वाली बात यह है कि शुरुआत में ही 10 चम्मच चीनी आपके शरीर में चली जाती है अगर आप 350 ml कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो। यह आपके दिन भर की जरूरत के बराबर है। इतनी चीनी एक साथ शरीर के सिस्टम में जाने पर अक्सर शरीर उल्टी यानी वोमिट कर देता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने पर आपको उल्टी नहीं आती और उसकी एक वजह है। वो वजह ये है कि कोल्ड ड्रिंक में फास्फोरिक एसिड मिला होता है और इसी एसिड की वजह से कोल्ड ड्रिंक की मिठास कम हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक पीने के 20 मिनटों के बाद आपके शरीर में ब्लड शुगर बढ़ जाती है, शरीर में इंसुलिन का बहाव तेजी से होने लगता है और आपका लिवर इसे हैंडल करने की कोशिश करता है, और ऐसा करने के लिए लिवर इस अतिरिक्त शुगर को फैट में बदलने लगता है। कोल्ड ड्रिंक में कैफीन भी होती है। कोल्ड ड्रिंक पीने के करीब 40 मिनटों के बाद शरीर इस कैफीन को पूरी तरह से ग्रहण कर लेता है, जिससे आपकी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, आप अलर्ट महसूस करने लगते हैं, आपकी नींद टूटने लगती है, आलस गायब होने लगता है। इस दौरान ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसे काबू में करने के लिए आपका लिवर और ज्यादा शुगर शरीर में छोड़ने लगता है। 45 मिनट के बाद शरीर में डोपामाइन नामक केमिकल की मात्रा बढ़ने लगती है। डोपामाइन दिमाग के खुशी देने वाले हिस्से को सक्रिय कर देता है, जिससे आपको अच्छा महसूस होने लगता है। वैसे आपको बता दें कि हेरोइन जैसे ड्रग्स भी इसी तरह काम करते हैं, और जब आप इन तमाम चीजों का सेवन करते हैं तो आपको अच्छा महसूस होने लगता है, आपको एक तरह की खुशी महसूस होने लगती है। कोल्ड ड्रिंक पीने के 60 मिनटों के बाद यानी करीब 1 घंटे के बाद कोल्ड ड्रिंक में मौजूद फास्फोरिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम
और जिंक जैसे मिनरल्स को शरीर की स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में भेज देता है। इस वजह से आप यूरिनेशन के लिए मजबूर हो जाते हैं, यूरिनेट करने लगते हैं। इस तरह आपके शरीर में कोल्ड ड्रिंक के जरिए पहुंचा हुआ सारा पानी शरीर से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा कैफीन और फॉस्फोरिक एसिड की मौजूदगी की वजह से कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे खनिज आपकी हड्डियों तक नहीं पहुंच पाते और आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। 60 मिनटों के बाद आपका शरीर थका हुआ महसूस करने लगता है और शरीर में मौजूद जरूरी पोषक तत्व भी बाहर निकल जाते हैं और इससे आपकी हड्डियों और दांतों को नुकसान पहुंचता है और आपका शरीर ठीक तरह से हाइड्रेट नहीं हो पाता। यानी कोल्ड ड्रिंक आपके शरीर में मौजूद पानी को सुखा देती है। इसका मतलब है प्यास बुझाने के लिए पी जाने वाली कोल्ड ड्रिंक असलियत में आपकी प्यास को बढ़ा देती है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं बल्कि धरती के शरीर को भी सुखा रही है। एक नामी कोला कंपनी द्वारा कराए गए एक रिसर्च के मुताबिक आधे लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को तैयार करने में करीब 35 लीटर पानी का